चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे आपने 4 में देखा था कि दो पोर्शन थे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, सेम वही काम है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर आप बुक को देखो तो आपके टोटल 9 एक्सरसाइजेस हैं। 6.1 में अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 6.2 में अरिथमेटिक सीरीज है, 6.3 में अरिथमेटिक मीन है। यही पैटर्न आगे भी चलता है। 6.4 में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 6.5 में ज्योमेट्रिक सीरीज है, 6.6 में इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसको भी देख लेंगे, और 6.7 में ज्योमेट्रिक मीन है। फिर 6.7 में आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक मीन भी डिस्कस की हुई है। हार्मोनिक के अंदर सीरीज नहीं होती कोई, हार्मोनिक के अंदर सीक्वेंस है, हार्मोनिक के अंदर मीन है। हार्मोनिक सीक्वेंस को हम ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ। तो हार्मोनिक के अंदर आप बस सीक्वेंस वाले कॉन्सेप्ट देखोगे और डायरेक्ट मीन पे चले जाओगे, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के लिए ये दोनों तीनों आप चीजें पढ़ोगे। उसके बाद कुछ रैंडम होती है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा एमसीक्यूज किस तरह आपने सॉल्व करने होते हैं, लेकिन जो मेन पोर्शन है ना ये चैप्टर पूरा 6 का, वो मैंने आप लोगों को बता दी इस तरह हम चल रहे होंगे। तो सीक्वेंस पे आ जाओ। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, इंग्लिश की नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए, कि सीक्वेंस एक नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे आप सेट को लिखते हो ना वैसे आप सीक्वेंस को भी लिख रहे होते हो। नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन पैटर्न वही होता है, नंबर लिखते हो, कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हो। लेकिन सेट और सीक्वेंस में बेसिक फर्क ये है कि सेट में कोई रूल नहीं होता था। रूल इन द सेंस कि रूल आपको बताता है, जैसे जिंदगी में भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो रूल्स आपको बताते हैं कि आपने इस बाउंड्री में रहना है, आपने ये काम करना है, जैसे आप लॉ भी कह सकते हो इसको। तो वही चीज है, सेट के अंदर कोई रूल लॉ नहीं है। आपने किस नंबर को कहीं भी डालना है रख दो, 2 को पहले लिखना है, 1 को पहले लिखना है लिख दो। लेकिन सीक्वेंस के अंदर रूल होता है कि आपने उस रूल को फॉलो करना है, उसके तहत आप नंबर्स को लिख सकते हो, वैसे आप नहीं लिख सकते। अब वो रूल जो है डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। 3 मशहूर रूल जो है वो तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक है। इसके अलावा आप इन्फिनिट रूल बना सकते हो। बहुत सी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक नहीं है, उनमें अलग ही रूल चल रहा होता है। तो ये जो रूल होता है ना किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स के दरमियान, ये सेट को सीक्वेंस में तब्दील कर देता है। सेट के अंदर रूल नहीं है, सीक्वेंस के अंदर वो रूल आ जाता है, ठीक है। अब वो रूल क्या है, सबसे पहले हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे, देख लेना अरिथमेटिक में रूल क्या होता है, फिर ज्योमेट्रिक और फिर हार्मोनिक हम पढ़ लेंगे। दूसरा पोर्शन है सीरीज का। सीरीज में होता है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना, लेट कर लो 1, 4, 7 जो भी टर्म्स है, अगर आप उनको आपस में ऐड कर दो, मतलब कॉमा लगाने के बजाय दरमियान में आप प्लस 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 लगा दो, तो अब वो क्या बन जाएंगे? सीरीज बन जाएंगे। तो अगर आपने कॉमा लगाया है उसको आप सीक्वेंस बोल दोगे, और अगर आप प्लस 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 का साइन लगा दोगे तो वो सीरीज बन जाएगा। अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक की 2 डेफिनेशंस होती हैं, नॉर्मल स्टूडेंट को 1 पता होती है। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम एपी है। 2 डेफिनेशन क्या है जरा दोनों को सुन लो। एक मशहूर वाली है जो आप लोग अपने मतलब फर्स्ट ईयर से करते हुए आ रहे होंगे, वो मशहूर डेफिनेशन ये है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और उनमें किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है तो उसको आप बोलते हो अरिथमेटिक। यार मैंने चैप्टर 5 एडिट कर लिया है, इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा वो, चैप्टर 4 भी जो रह गया था। ये 5 टर्म है। असल चीज क्या होती है यार, ये बीच में नहीं बोला करो सवाल, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हाँ, मैं आप लोगों को 2 डेफिनेशन इसकी बता रहा था। एक डेफिनेशन जो है ना जो मशहूर है वो मैं बता रहा हूं कि सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसमें 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो उस वाली सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो? अरिथमेटिक बोलते हो। जैसे 1 और 3 में डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आप निकालते कैसे हो? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मतलब अगर आप इन 2 का डिफरेंस निकालना चाह रहे हो तो आप लिखोगे 3 माइनस 1। इसी तरह अगर आप इन 2 का निकालना चाह रहे हो तो आप लिखोगे 7 माइनस 5। अगर आप इन 2 का निकालना चाह रहे हो आप लिखोगे 9 माइनस 7। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो वो जो आपके पास आएगा उसको आप बोलोगे डिफरेंस। अगर वो थ्रू आउट सेम है, कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म्स वो होती है जो एक एक साथ आ रही है, जैसे 1, 3 कंसेक्यूटिव है, 3, 5 कंसेक्यूटिव है, तो इनके दरमियान अगर डिफरेंस सेम है तो आप उसको क्या बोलते हो? अरिथमेटिक सीक्वेंस।
और इस डिफरेंस का अपना नाम रखा होता है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कह रहे होते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो काफी मशहूर है, जो आपने इसी तरीके से अरिथमेटिक को याद किया है। डिक्टेट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है ना, ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, ये टेक्स्ट बुक आपके पास पड़ी हुई है, कोई और नोट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसमें चैप्टर 6 उठाओ, सबसे पहले दोनों किस्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगेन मुझे चमचा आप लोगों को मुंह में डालना पड़ेगा, मैं जरा बता दूं पेज नंबर भी। पेज नंबर 156 पे आ जाना, आपको पूरे सही तरीके से डिफाइन किया गया है। आप लोगों ने बुक को अंडरस्टिमेट किया हुआ है, आपने सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि क्या होती है अरिथमेटिक। पहली डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, अब दूसरी पे भी आ जाओ। मतलब डेफिनेशन वो यही है, लेकिन दूसरे तरीके से उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वो ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर आने वाली टर्म कैसे आती है कि प्रीवियस टर्म में कुछ आप नंबर ऐड करते हो। जैसे वन में आपने क्या ऐड किया तो थ्री आया, वन में आपने टू ऐड किया तो थ्री आ गया, फिर थ्री में आपने टू ऐड किया फाइव आ गया, फाइव में आपने टू ऐड किया सेवन आ गया। तो अरिथमेटिक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी हर आने वाली टर्म, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव टर्म, कैसे आती है कि प्रीसीडिंग टर्म में आपने कोई फिक्स नंबर ऐड किया है, उस फिक्स नंबर को आप क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस ही बोल रहे होते हो। ये एक ही बात है, आप इस तरह जाओगे तो आप ऐड कर रहे हो, अगर आप उल्टा आते हो तो आप डिफरेंस कर रहे होते हो। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप हर टर्म में एक नंबर ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आती जाए, तो उस वाली सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, अरिथमेटिक। इसमें टू ऐड किया थ्री आ गया, इसमें टू ऐड किया फाइव, इसमें टू ऐड किया सेवन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर आपने वेन डायग्राम की, यार वेन डायग्राम इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि वेन डायग्राम आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर आप लोगों को शौक हुआ तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा वेन डायग्राम का, या अगर इतना शौक हुआ, मेरे पास एक पुराना बैच था ईकैट का, उसकी वीडियो है मेरे पास वेन डायग्राम की, अगर शौक हुआ पढ़ लो। मैं बताने से बहुत चीजें आप लोगों को बता दूं, ये थोड़ा ना कुछ आती नहीं है, हल्की बोली तो मैथ आती है मुझे, मैं बता दूंगा, लेकिन मसला है कंफ्यूज हो गए कितनी चीजें याद रखोगे। तो अगर आवाम की रिक्वेस्ट हुई तो मैं एंड पे चलो एक वो वीडियो डाल दूंगा, वो काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मेरा डायग्राम बना बना के, तो शौक हो तो आप वो सीख लेना वहां से। तो ये दोनों किस्म की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी है, इसकी जो पूरी स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगी उससे आप लोग कवर कर लेना। अब आ जाओ इनकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लिखते किस तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी एपी की क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सबसे पहले आप ए लिखो, ये फर्स्ट टर्म होती है, स्टार्ट तो आपने किसी टर्म से कर रहे हैं ना, उसके बाद आप जाते हो। तो मैंने क्या बताया था, हर आने वाली टर्म कैसे आती है, क्या फिक्स नंबर ऐड कर रहे होते हो, उस फिक्स नंबर को आप डी से शो करते हो कि पहले वाली टर्म में मैंने डी ऐड किया था तो ये वाली टर्म आ गई, फिर इस वाली टर्म में डी ऐड करो तो 2d हो जाएगा ये वाली टर्म, फिर इसमें डी ऐड करो तो 3d, अप टू ये पैटर्न चलता जाएगा। और इसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस एन माइनस वन डी। कहां से आई इसको छोड़ दो, बुक में प्रूफ लिखा हुआ है इसका, लेकिन ये इसका जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। इसके तीनों नाम है, जनरल टर्म भी आप बोल सकते हो, nth टर्म भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, सब तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म इसको आप कहते हो, जिसमें असल इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये वाली है जो आपकी nth टर्म है, जिसको आप टी एन से शो करते हो। और nth टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, वेयर a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इसके सवाल बेतहाशा है, आपको डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है, जैसे मैं कुछ सिचुएशन बता देता हूं आपको, आपको वो जैसे आप लोगों का, आप लोगों की बुक है ना उस पर आ जाओ 6.1 पे, 6.1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना, शुरू के क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओगे, लिखा हुआ फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेटेड टर्म। क्या आपको एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और जो टर्म उन्होंने इंडिकेट किया है ना वो निकालनी है। जैसे पार्ट वन में उन्होंने एक एपी दी हुई है, मैं एग्जाम्पल ये करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एपी ये वाली है 4, 9, 14, 19 अप टू 8th टर्म, मतलब आपको 8th टर्म निकालनी है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस निकालो, जो कि बहुत ही बच्चों वाला काम है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसकी 8th टर्म निकालो। तो डेटा इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 4 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को पकड़ो उनमें डिफरेंस निकालो। अब सवाल में उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये एपी है, ठीक है, तो
जब वो बोल दे एपी तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, जब एपी है तो कोई भी दो टर्म पकड़ो उनमें डिफरेंस निकालो। तो शुरू की दो को पकड़ लो, 9 - 4 = 5, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 5 के बारे में। एमसीक्यूज में ये तो खैर नहीं बोलेंगे तो बहुत ही बच्चों वाला काम हो जाएगा, लेकिन जब एमसीक्यूज में आपको पता करना हो ना, लेट कर लो आपको बोला जाए 8th टर्म निकालो, सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ना सीक्वेंस कौन सी है। अभी तो सवाल में गिवन था ये एपी है, ठीक है, लेट कर लो अगर एपी ना गिवन हो और एक सीक्वेंस गिवन हो, आपको बोला जाए कि इसकी 8वीं टर्म निकालो, तो सबसे पहले तो आप पता करोगे सीक्वेंस कौन सी है। और कैसे पता करोगे, सबसे पहले आप एपी की कंडीशन देखोगे, आप शुरू की दो टर्म पिक करना डिफरेंस निकालना, फिर शुरू की मतलब पहली टर्म को छोड़ के बाकी दो टर्म पकड़ना उनमें डिफरेंस निकालना, अगर ये डिफरेंस बराबर हुए तो ये एपी है, अगर नहीं हुए तो फिर जीपी वाली कंडीशन देखना, वो ना हो तो फिर एसपी वाली कंडीशन देखना, तो इस तरीके से आप देखोगे। बहरहाल यहाँ पे तो एपी थी तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया 5 के बराबर। अब आपको निकालनी कौन सी टर्म है, 8वीं टर्म निकालनी है, तो एन क्या होता था नंबर ऑफ टर्म, 8वीं टर्म मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो अब आप जनरल टर्म फॉर्मूले में पुट कर दो, इधर एन की जगह 8 पुट कर दो, तो ये जो टी 8 है ना, टी 8 शो कर रहा होता है 8th टर्म को, 8वीं टर्म को, इसको टी 8 भी लिख सकते हैं हम या ए 8 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म, जैसे सीक्वेंस की ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इसी तरह सीक्वेंस की 8वीं टर्म जो है दोनों तरीके से आप उसको लिख सकते हो। निकालोगे किस तरह, जनरल टर्म फॉर्मूला, ए यहाँ पे 4 है, एन यहाँ पे 8 है, डी यहाँ पे 5 है, तो 8 - 1 = 7, 7 × 5 = 35, 35 + 4 = 39, तो सीक्वेंस की जो 8वीं टर्म है वो क्या है 39 के बराबर। अभी मैंने एक एग्जांपल करवाई है, इसकी और एग्जांपल भी आप बना सकते हो, लेट कर लो आपको डाटा इस तरह दें कि वो आपको ए दे दें, आपको वो डी दे दें, और लेट कर लो आपको कोई 11th टर्म दे दें, बोले लेट कर लो 11th टर्म 50 के बराबर है, या आपको 11 ना दें आपको बोले कि nth टर्म है, टी एन जो है वो 50 के बराबर है, डाटा क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, और आपको nth टर्म दे दिया उन्होंने, मतलब जनरल टर्म फॉर्मूले में ए पता है आपको, डी पता है, और nth टर्म पता है, आपको एन नहीं पता, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है, आप वैल्यूज पुट करना बाकी तीन अननोन्स की, एन की निकालनी होगी, एन को बस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना किसी तरह, बाकी उनको सिंप्लीफाई करना, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। बताने का मकसद ये कि इस nth टर्म के फॉर्मूले में 4 अननोन है, कोई भी 3 आपको दे देंगे, चौथा आपको निकालना होगा, लेट कर लो आपको ए दे दें, एन दे दें, और टी एन दे दें, और आपसे बोले कि डी निकालो, अगेन वही बात है कि 3 अननोन पता है, चौथा निकालना मुश्किल है, सिंपल आप पुट करोगे, आपने इक्वेशन को अरेंज करना है, आपके पास 14 अननोन जो है ये आ जाएगा। ये काम तो आप लोग बेसिक अलजेब्रा जो उसमें करते हुए आ रहे हो। हाँ बोलो सर, ये जो नंबर है सर, इसमें जैसे आपके टी एन इक्वल्स टू ए प्लस डी का तो सर टी एन माइनस 1 नहीं हो, टी एन माइनस 1 नहीं होगा फॉर्मूला सर, जैसे टी एन की का तो टी 7 आएगा ना सर यहां पे, क्यों ऐसा क्यों होता है सर, यानी जो हमने किया था सर, यानी इंटर क्वेश्चन में तो सर उसमें जो ये पता चला था कि टी एन 7 लिखेंगे टी एन माइनस 1 लिखेंगे फॉर्मूला, नहीं मैं इसमें तो नहीं था, ये आपने एम ही नहीं किया पॉइंटर में, वो n माइनस 1 वाला सीन वो उसमें इसमें तो होता भी नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप इस फॉर्मूले को इस तरह पढ़ना चाह रहे हो tn माइनस 1, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, या आपने अगर कहीं पढ़ भी लिया होगा तो गलत है, अगर यहाँ पे आप n माइनस 1 करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे n माइनस 2 करना पड़ जाएगा, वो ऑकवर्ड सा हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी बुक आप देख लो, बुक में आपको समझ भी आ जाएगा कि फॉर्मूला आया कहां से, मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं प्रूफ बताऊंगा यार, फिर वो टॉपिक बहुत आउट हो जाएगा, लेकिन बुक में आपको एपी के अंदर मिल जाएगा कि इसका प्रूफ क्या है, तो तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एन ही आएगा यहाँ पे। अच्छा तो जो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके 3-4 पार्ट और ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ट्राई कर लेना 1-2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज मैंने आपको बताई है कि इस जनरल टर्म में देखो 4 अननोन है, कोई भी अगर आपको 3 देंगे 14 आसानी से निकाल सकते हो, तो पार्ट 1 में आपको ए डी एन दिया हुआ है, आपको टी एन निकालना है, पार्ट नंबर 2 में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है, आपको एन निकालना है, तो अब ये बस आपको पुट करना है और बेसिक अलजेब्रा लगा के अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। मैं 1-2 बड़े मशहूर क्वेश्चन है वो जरा करवा देता हूँ आपको।
जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पकड़ ले एमसीक्यूज में आते हैं, 6.5 एमसीक्यूज में बहुत आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक एपी गिवन है आपको, 2/3, 1/2, 1/3, और बोला हुआ है इसकी जो लास्ट टर्म है वो -17/6 है, ये आखिरी टर्म है इसकी, निकालना क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म है इसके अंदर, मतलब n, वो आपसे पूछ रहे। a यहां पे है 2/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अब सवाल में उन्होंने एपी बोला हुआ है तो बस मैं शुरू का डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम यहां पे 6 आएगा, ऊपर 3, यहां पे 4 -1/6, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो -1/6 आया। यहां पे जो nth टर्म है, मैंने बताया था इसको, आप मैं लिख देता हूं, इसको nth टर्म भी कहा जाता है, जनरल टर्म भी कहा जाता है, और सवाल के मुताबिक इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। अब इस सवाल में लास्ट टर्म बोला हुआ था तो इसको आप tn के बराबर ले लो, -17/6, तो आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया, आपको tn पता चल गया। निकालना है कि आपको नंबर ऑफ टर्म, आप लोगों के लिए तो आसानी इतनी ज्यादा है कि आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप लोगों को एनडी वाले बच्चों को तो मसला नहीं होगा। मैं फिर भी बस पुट करके दिखा देता हूं, ए है 2/3, फिर फॉर्मूला कहता है एन माइनस वन डी, डी यहां पर -1/6, सॉल्व करना बहुत ही ईजी काम है, इस वाली चीज को इधर ले देना, नेगेटिव हो जाएगी, जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर देना, इस पूरी चीज को नीचे ले जाना, तो जो भी यहां पे आंसर आ रहा होगा डिवाइडेड बाय -1/6, जो भी आंसर आया -1 को इधर ले जाना, ऐड हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी, और ये खुद भी काम आपको ऑब्वियसली करना आता होगा इस लेवल पे, यहां को बस अरेंज आपने करना है और एन की वैल्यू निकालनी होगी। nth टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकती, हाँ आ सकती है, मतलब अभी तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है, या आपको किसने क्या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, रूल होना चाहिए ना, एक रूल कुछ भी हो सकता है, जैसे लेट कर लो पहली टर्म 1/2 है, रूल ये कहता है कि मैं 2 ऐड करूंगा हर टर्म में, तो अब इसके बाद जब आप 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, इसके बाद 2 ऐड करोगे ये हो जाएगा 9/2 आई गेस, हाँ तो फ्रैक्शन में एरर टर्म कुछ भी आ सकती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन में नेगेटिव में रैशनल इरेशनल कुछ भी आ सकती है, रियल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक इस टाइप के सवाल आते हैं कि जिसमें आपको लास्ट टर्म दे देते हैं, सीक्वेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो उसको देख लेना। इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस आपको दी जाएगी और एक टर्म दे दी जाएगी, जैसे यहां पे इसको लास्ट टर्म बोला गया है ना, उस सवाल में इसको लास्ट टर्म नहीं बोला गया लेकिन मेथड वही होगा। जैसे 6 में लिखा हुआ है एक सीक्वेंस है, बताओ 75 इस सीक्वेंस की कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो वही कॉन्सेप्ट है, ए जो है वो -3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इनका निकालोगे 6 आएगा, और जो nth टर्म है वो आप 75 को लेट कर लेना, इसी तरह सॉल्व करना, n निकाल देना, आपको पता चल जाएगा वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, nth टर्म इज 22, हाँ देख लेना 22 हो जाएगी। हाँ ये बात ध्यान में रखना, ये जो n है ना ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, n कभी भी इवन होल नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सीक्वेंस में देखा है सीक्वेंस की पहली टर्म n इक्वल टू 1, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कभी जीरो नहीं हो सकता, तो अगर आपके पास n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है, पॉइंट में आ रही है, तो वो n नहीं हो सकता, n हमेशा आप नेचुरल नंबर ही लोगे, ठीक है। और ये अगला सवाल मैंने इसी के ऊपर करवाना था, जो आखिरी क्वेश्चन है 6 पर इस टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 6.1 का उन्होंने बोला हुआ है, इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दी हुई है और बोला हुआ है क्या इस सीक्वेंस की 83 कोई टर्म है, हमें तो नहीं पता ना, एक सीक्वेंस आपको इतनी सी गिवन है 1, 4, 7, 10, वो बोल रहे कि जो सीक्वेंस गिवन है क्या इसकी कोई ऐसी टर्म भी है जो 83 है, अच्छा हमें पता नहीं 83 है नहीं, हमें पता करना है क्या 83 भी इसकी है, ये कैसे पता चलेगा, सेम ये कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ रही होगी तो इसका मतलब, लेट कर लो n की वैल्यू 10 आ रही है तो उसका मतलब क्या है भाई, ये 10वीं टर्म है, अगर n की वैल्यू 20 आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, ये सीक्वेंस की 20वीं टर्म है, अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये वाकई टर्म होती तो n की कोई नेचुरल वैल्यू आती 10, 15, 20 कुछ आती, तो आप में वही काम कर रहे हैं, यहां पे आपको a गिवन है, यहां पे जो डिफरेंस है वो निकाल लेना आप लोग,
थ्री के बराबर आएगा और एन अल्ट्रा माप लेना 83 को, सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालना। मुझे जहां तक लगता है एन नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रहा होगा कुछ, तो जब इस तरह आ रहा है तो आप स्टेटमेंट सिंपल दोगे कि 83 इसकी टर्म नहीं है। ये टोटल क्वेश्चन है जो एपी से रिलेटेड आ रहे होते हैं, इसी फॉर्मूले से वो खेल रहे होते हैं। तो यहां तक कोई सवाल है पूछ लो, बाकी मजीद में एमसीक्यूज जब आप लोगों को दिए हैं उसको भी सॉल्व करना, कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लेना, साथ साथ ही पूछते रहना। कोई सवाल है यहां तक पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो इसे।